Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Hello दोस्तों, टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। माफी चाहेंगे क्योंकि टेक न्यूज आजकल लेट आ रही है और ये जो वीक है दोस्तों, ये सेल वीक है, पूरे साल का सबसे बिजिएस्ट वीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। उसी वजह से हमें तीन तीन वीडियोस डालनी पड़ रही है, टेक न्यूज हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद नेक्स्ट वीक से ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली 6:30 बजे मिल जाएगी। सबसे पहले आपको टेक न्यूज देते हैं, आपको तो पता ही होगा। बाय द वे, मेगा गिव अवे का हमने अनाउंसमेंट कर दिया है ट्विटर के ऊपर। 20 प्रोडक्ट्स के हम गिव अवे कर रहे हैं। टॉप जो 3 हो गए वो प्रीमियम हो गए, उसके बाद हम टीवी, स्मार्टफोन, ईयरफोन्स सब करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब हमारे चैनल पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए और हमने दिसंबर तक का टारगेट बनाया है। तो आप जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखे थे उसको बनाइए, लेकिन उसमें बूस्ट कर दीजिए, अपना ताकत और डाल दीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी 3 मिलियन पे पहुंच जाए और ये धमाकेदार मेगा गिवअवे वाला वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। गर्मा गर्म टेक न्यूज दोस्तों लेके आ गया हूं, लेकिन उससे पहले यार, आज हमने 2 वीडियो डाला है, उसको जाके देख लीजिए, गिवअवे किया, पार्टिसिपेट भी कर लीजिए। और 40,000 लाइक्स मांगता हूं, खुल के मांगता हूं, लाइक करिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की बात करते हैं इन्फिनिक्स से। इन्फिनिक्स ने ग्लोबली अपने 2 नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। इन्फिनिक्स का Note 8, Note 7 अभी आया था, और Note 8i, जी हाँ, ये उसका लाइटर वर्जन है। इनकी प्राइस 15,000 के नीचे है। Helio G80 वाला प्रोसेसर है। जो Note 8 है उसमें 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा है, डुअल सेल्फी है 16 मेगापिक्सल वाली, और साथ में 5200 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग वगैरह है, और बड़ी 6.95 इंच की आपको HD+ की डिस्प्ले मिलती है। और जो Note 8i है, कैमरे में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, सिंगल सेल्फी है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा है, डिस्प्ले थोड़ा छोटा कर दिया, बाकी तो सब कुछ आपको सेम मिलता है। ये हमें इंडिया के अंदर नवंबर में देखने को मिलेंगे। इन्फिनिक्स से मुझे ये पता चला था। क्या लगता है दोस्तों, इंडिया में अगर 10-12-13,000 की रेंज में आते हैं तो मेरे ख्याल से ये फोन काफी सही हो गए। मोटोरोला ने दोस्तों भाई कमाल कर दिया, इंडिया के अंदर अपना 3-in-1 हाइब्रिड ईयरफोन्स को लॉन्च कर दिया। वैसे तो नॉर्मली कुछ 9-10,000 की प्राइस है, लेकिन फ्लिपकार्ट की सेल पर ये 6,000 रुपए में मिल रहा है। और इसमें दोस्तों क्या फीचर आपको बताया, 3-in-1 हाइब्रिड का मतलब ये कि नॉर्मल ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की तरह काम करेगा विदाउट वायर्स, उसके बाद फिर वायरलेस नेकबैंड की तरह ये काम कर लेगा, और उसके बाद फिर वायर्ड 3.5 जैक लगा कर भी आप अपने फोन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं, और काफी प्रीमियम आपको इसमें ड्राइवर्स वगैरह मिलते हैं, ऑडियो क्वालिटी भी आपको इसमें कमाल की मिलती है। लेकिन यार कमाल है यार, 3-in-1, इसलिए प्राइस भी इतनी ज्यादा रखी है। क्या लगता है दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करूं, मुझे दिलचस्पी हो रही है इसके अंदर, मजा आ रहा है दोस्तों, तो आप मुझे बताना अनबॉक्सिंग इसकी भी लेके आएगी। Google Pixel 4a हाल ही में दोस्तों ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है और Flipkart पर ये आज ही सेल पर जाने वाला था, मतलब रात के 12 बजे से शुरू हो गया था। आधे घंटे के अंदर लोग इतना टूट पड़े इस पे कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मुझे भी लेना था लेकिन मैं शायद सो रहा था, मुझे याद नहीं, मैं सोचा सुबह में आराम से उठ के परचेस कर लूंगा फिर अनबॉक्सिंग दूंगा, लेकिन ना, आउट ऑफ स्टॉक। ये जो प्यार लोगों ने दिखाया इस पर, इससे ये लगता है कि फोन में लोगों को बहुत दिलचस्पी है, तो मैं छोड़ेगा नहीं, परचेस करेगा और इसकी अनबॉक्सिंग देगा। अगर अनबॉक्सिंग चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसको अनबॉक्स करने के लिए। गूगल तो बेचता नहीं है, लेकिन आप मुझे बताना कमेंट करके कि क्या आपने ट्राई किया था पिक्सल 4a को परचेस करने के लिए और आपको मिला नहीं मिला, जो भी है आप कमेंट करके बता दीजिए। नोकिया ने दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑटोमेटेड सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने अपने खुद की इंडिया के अंदर जो चेन्नई की फैक्ट्री है वहां पर लगाया हुआ है, गेट के ऊपर ये मतलब आते जाते लोगों को ये मॉनिटर करता है कि उन्होंने प्रॉपर मास्क पहना है कि नहीं पहना है, और इसमें ये जो कैमरा है ये थर्मल कैमरा है, तो उनकी बॉडी टेम्परेचर भी नापता है कि कितना गर्म है, ठंडा है, इसको बुखार नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको एंट्री ही नहीं देगा। तो ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा, और इंडिया में मुझे लगता है सभी जगह पर ये लगना चाहिए, क्योंकि अभी COVID-19 आउटब्रेक हुआ है तो प्रिकॉशंस के हिसाब से मुझे लगता है होना चाहिए। लेकिन ये भी होना चाहिए दोस्तों कि अगर गलती से कोई आदमी ने मास्क नीचे पहन लिया, जानबूझ के नहीं भी पहन रहा है, तो एक रोबोट का हाथ भी होना चाहिए ऊपर से लटकता हुआ आएगा, फट ऊपर चढ़ा और चल अंदर, ऐसा भी होना चाहिए, सुनते ही नहीं। इंडिया के अंदर 5G की जंग चालू है दोस्तों। जियो, वोडाफोन, एयरटेल रेस में लगे हुए, हालांकि जियो तो बस ऐसा घोड़े पे खड़ा है, बस जैसे ही वो लोग बोला एयरवेव ऑक्शन चालू, ट्रायल्स शुरू, 5G हाथ में, हाँ जियो ऐसा खड़ा है, लेकिन एयरटेल कोशिश कर रहा है, एरिक्सन के साथ में उनकी बातचीत चल रही है, और वोडाफोन भी रेडी हो गया है, वो भी बताया जा रहा है कि ट्रायल्स के लिए तैयार हो गया। लेकिन अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, उन्होंने ऐसा बताया कि जो 5G एयरवेव से ऑक्शन के लिए बहुत ही जल्दी छोड़ने वाले, तो जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो ले सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बात ये ना कि इतने महंगे थे इसीलिए 2020 में वो डिप्लॉय नहीं हो पाया, और अभी 2021 के अंदर बताया जा रहा है कि अभी लेकर वो लोग शुरू कर सकते हैं। तो 2021 में हमें 5G इंडिया में बहुत जल्दी शुरुआत में ही मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस ठीक रखते तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ये बार जो ऑक्शन होगा ना उसमें शायद जो वो ले सकते हैं,
हो गया न्यूज, आगे बढ़ते हैं। वैसे Realme वालों ने भी कमाल कर दिया दोस्तों, उन्होंने अनाउंस कर दिया ऐसे कि उनका जो फेस्टिव डे सेल अभी शुरू हुआ है, मतलब आज पहला दिन है दोस्तों, और एक दिन के अंदर ही 1 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने अपने यूनिट्स सोल्ड किए। इसमें सब कुछ मिक्स्ड है, टीवी, IoT डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स वगैरह सब कुछ मैं बोल रहा हूँ मिलाकर, एक दिन के अंदर ही 1 मिलियन, मतलब 10 लाख, बहुत ही ज्यादा होता है भाई। अभी तो 4 दिन और बाकी है, सोचो 4 दिन में और कितना धमाल करेंगे, मतलब पूरे इंडिया में लोग रियल मी के कितने प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं वो यहाँ पर पता चल रहा है। वैसे आप मुझे बताना दोस्तों इस सेल में क्या आपने कुछ रियल मी के प्रोडक्ट्स परचेस किए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। माइक्रो मैक्स इज बैक। जी हाँ, फाइनली माइक्रोमैक्स वाले जो राहुल शर्मा है उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, एक न्यू सब ब्रांड उन्होंने अनाउंस कर दी है, IN, ऑब्वियसली IN यानी कि इंडिया, और मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स होंगे, माइक्रोमैक्स की तरफ से हमें मिलेंगे। बॉक्स वगैरह भी उन्होंने जो वो शो कर दिया उस पर IN लिखा हुआ है, जहां पर बताया गया कि शुरू शुरू में आपको 2-3 फोन्स मिलेंगे अफोर्डेबल रेंज के, उसके बाद वो लोग फ्लैगशिप फोन भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं जो 2021 में हमें देखने को मिलेंगे। ये जो पहला फोन होगा उसका नाम होगा IN1A, ये गीक बेंच पर भी लिस्ट हो गया है दोस्तों, और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 4 GB की रैम होगी, एंड्रॉइड 10 होगा, और स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देने की वो लोग प्लानिंग करेंगे, जो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। साथ में प्रोसेसर निकल कर आया हीलियो P35, 6-7 हज़ार की रेंज में लेके आता तो मेरे ख्याल से अच्छा फोन होगा, और मेड इन इंडिया फोन है, माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। याद रहे P35 G35 में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है, बस P और G का फर्क है। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि G70 G80 वाले प्रोसेसर वाले फोन भी माइक्रोमैक्स के आएंगे, तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट माइक्रोमैक्स, शुरुआत करिए, पहले ही उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे, फिर उसके बाद अगर उनको लगता है कि हमने बहुत सपोर्ट दिया, अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर तो माइक्रोमैक्स के ही फोन हर जगह हमें दिखाई देंगे। क्या लगता है दोस्तों माइक्रोमैक्स के न्यू सीरीज के बारे में, और ये पहला फोन जो गीकबेंच पर लिस्ट हुआ इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। पोको का एक नया फोन दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया है। जी हाँ, ये जो मॉडल नंबर लिस्ट होकर आया है, ये पहले भी सेम मॉडल नंबर के साथ में फोन लिस्ट हुआ था, जो पोको का नया F सीरीज है वो यहां पर बताया जा रहा है। अब ये F1 का जो सक्सेसर होगा इसके बारे में अनुज शर्मा ने जो बताया था, तो उन्होंने क्लियरली F2 नहीं बोला था, तो क्या पता पोको F1 प्रो हो जाए या कुछ और नाम के साथ में आ जाए, लेकिन वो F1 का सक्सेसर होगा ये तो हमें यहां पर पता चल गया। और ये डायमंड सिटी प्रोसेसर के साथ में आएगा, इसकी भी हल्की हल्की लीक्स आ गई थी जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। पाकिस्तान में इंपोर्ट हो गया, इंडिया में भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बस पोको वाले आप अच्छा कर दो, इस बार कुछ कमाल कर दो, फिर तो ना मैं बोल रहा हूँ तुम लोग की कुश्ती मैं खुद करवाऊंगा रियलमी के साथ में, अखाड़ा वखाड़ा बना के हम बैठ के तमाशा देखेंगे और तुम लोग लड़ते रहना। वैसे दोस्तों इंडिया के अंदर एक न्यू स्मार्टफोन कंपनी है, या न्यू स्मार्टफोन है पता नहीं, उसकी बैटरी BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुई है। मुकुल शर्मा ने इस पर ट्वीट किया था, तब तक तो ठीक था, मैंने जब उसको ओपन किया और जूम किया, मतलब देखो कौन सी कंपनी है, लेफ्ट साइड में गौर से देखिएगा लिखा है टट्टू। वाह, अभी कौन सी कंपनी है, मैं खुद इसको साक्षात उसको विटनेस करना चाहता हूं, जब ये इंडिया में आएगी तो मैं हाथ से उनको नमस्कार करके बोलूंगा क्या नाम आपने सोचा है, वाह टट्टू, बस टट्टी वाला काम नहीं कर रहे लोग। खैर, क्या लगता है दोस्तों क्या हो सकता है, ये कौन से फोन से, कौन सी कंपनी से, आप कमेंट में गेस करके मुझे बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली ऐसा बताया जाता है कि 56 मिलियन आवर्स से ज्यादा म्यूजिक स्ट्रीम होते हैं, कोई भी ऐप में आप गाने सुन लीजिए, कहां पर भी सुन लीजिए, ग्लोबली डेली रिपोर्ट है 56 मिलियन आवर्स से ज्यादा। कुछ गमगीन भी होगे और इसमें खुश नसीब भी होगे। आज की न्यूज़ ये मैं खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आई, लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाके देखना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।